नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को क्या तोहफा दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग रक्षाबंधन को लेकर के लड़कियों और महिलाओं को सौगात देने जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन सोमवार को महिला यात्रियों के लिए सिटी बस सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। अगर आप बस में सफर करती हैं तो इस दौरान किसी भी महिला से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में यात्रा करने वाली महिला और छात्राओं को फ्री में सुविधा मिलेगी और ये सुविधा सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9:30 तक आपको मिलेगी। बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा राजधानी में कुल 135 सिटी बस सर्विस बसों का परिचालन किया जा रहा है और इसमें 25 इलेक्ट्रिक और अन्य सीएनजी बसें इसमें शामिल हैं जो कि चलाई जा रही हैं। और इन सभी बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और छात्राओं के लिए सेवा बिल्कुल ही फ्री रहेगी। तो जो भी महिला अक्सर आना जाना करती हैं, बस का सेवा लेती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और अब उन्हें फ्री में ये सुविधा रक्षाबंधन के दिन सरकार की तरफ से दी जा रही है। एक जानकारी आपको और दे दें कि पटना नगर बस सेवा के मार्ग संख्या 111, 222, 444, 500, 555, 600 और 888, इसके साथ ही 100, 200 और 999 जो कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से प्रचालित बस पर भी निशुल्क यात्रा की जा सकती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक ने यह भी बताया है कि वर्ष 2018 से पटना शहर के विभिन्न मार्गों पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के तरफ से सिटी बस सेवा का परिचालन किया जा रहा है और सभी बसों में 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। बसों में सफर के दौरान महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई ऐसी सुविधा दी गई है जिससे महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और इसीलिए आजकल बिहार में भी महिलाएं बाहर निकलती हैं और बस का जो सेवा है वो बेझिझक लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इससे सेफली अपने डेस्टिनेशन तक, जहां तक वो जाना चाहती हैं वहां तक वो पहुंचेंगी। उनका यात्रा बहुत ही सुरक्षा से भरा हुआ रहेगा, यानी कि वो सुरक्षित रहेंगी उस बस में। और इसीलिए बिहार सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को फ्री बस सेवा का आनंद उठाने के लिए ये सुविधा उनके लिए लाया है। तो रक्षाबंधन के दिन जो भी महिलाएं अपने घर से बाहर जाती हैं उनके लिए अब बस सेवा बिल्कुल बिहार में फ्री है। और वैसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।